दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मनरेगा से किस प्रकार से फिल किए हुए मस्टर को देखना है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मस्टर रोल जो भी आपने फिल किए हैं वो किस प्रकार से देखना है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कभी कभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है एज अ ग्राम पंचायत के अगर आप मेंबर हैं या आम जन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि एमबी नंबर, एमबी का पेज नंबर और ईटीसी, ऐसी ही जानकारी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएंगी, डेट ऑफ पेमेंट, ये संपूर्ण जानकारी मस्टरोल फील्ड मस्टरोल वाले ऑप्शन में दिख जाती है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए जिससे कि मेहनत हमारी सफल हो सके। तो मनरेगा की वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है, narega.nic.in, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे पहले आपको आ जाना होगा मनरेगा की वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्विक एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। मैं इधर पे आपको मार्क करके बता देता हूँ, क्विक एक्सेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्विक एक्सेस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ सब ऑप्शन आपको नज़र आने लगेंगे। सब ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देखना होगा जो कि है स्टेट रिपोर्ट्स वाला। स्टेट रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी और आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जो कि है हमारे केस में मध्य प्रदेश। तो हम इधर पे मध्य प्रदेश चूज़ कर लेंगे। मध्य प्रदेश चूज़ करने के बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट इधर पे चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट इधर पे चूज़ करने वाला हूँ। आपके केस में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो आप इधर पे चूज़ कर लीजिए। मेरे केस में शिवपुरी है तो मैं शिवपुरी चूज़ कर लूँगा। और ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ब्लॉक आपका जो भी लगता हो वो ब्लॉक आप इधर पे इंटर कर दीजिए। और अब आपकी ग्राम पंचायत की बारी है, तो आप जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो, जिस भी ग्राम पंचायत की आप फील्ड मस्टर रोल देखना चाहते हैं, आप इजीली इस ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत आपको चूज़ कर लेनी है। मैं कोई भी एक रेंडम ग्राम पंचायत चूज़ कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत चूज करने के बाद आपको ग्राम पंचायत रिपोर्ट्स ओपन होके आ जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी होगी। तो आपको सबसे पहले एक ऑप्शन इधर पे ढूंढना होगा जो कि है R2 डिमांड एलोकेशन एंड मस्टर रोल वाला। इस ऑप्शन को आपको ढूंढने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मस्टर रोल का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आप इजीली डेट ऑफ पेमेंट देख पाएँ और संपूर्ण जानकारी देख पाएं मस्टर रोल के बारे में कि किस प्रकार से क्या क्या कितनी कितनी अटेंडेंस लगी हुई है और कब पेमेंट हुआ है। तो मस्टर रोल पर हम क्लिक कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अभी पूरा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको वित्तीय वर्ष चूज़ कर लेना होगा। जिस भी वित्तीय वर्ष में आपके मस्टर रोल लगे हुए हैं उस वित्तीय वर्ष को चूज़ कर लीजिए। मेरे केस में अभी मैं 24-25 के देखने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से मस्टर रोल फिल हुए हैं 24-25 में। तो चलिए मैं इधर पे 24-25 सिलेक्ट कर दिया है, टिक रहने दूंगा फिल्ड मस्टर रोल्स पर। इधर पे बर्क कोड इंटर कर लूँगा मैं। बर्क कोड आप जो भी आपका बर्क कोड हो उसके लास्ट कोई डिजिट्स आप इंटर कर दीजिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। कार्य पर सिलेक्ट करेंगे जैसे ही तो इस एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, जो भी कार्य आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके भी आप मस्टर रोल देखना चाहते हैं उधर पे आपको नज़र आने लगेंगे। तो मैं एक रैंडम कार्य को चूज़ कर लेता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि एक इधर पे ऑप्शन आ रहा है जो कि है MSR संख्या, मस्टर रोल संख्या आपको चूज़ कर लेनी है। जिस भी आपको मस्टर डेट का निकालना है आप वो मस्टर इजीली इसमें निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपको चेक करना है कि किस मस्टर में कितनी मजदूरी डली हुई है। तो आप इजीली डेट वाइज भी इनको चेक कर सकते हैं। इनमें डेट लिखी हुई है 11 से 17, ये जो भी आपको डेट्स इधर पे नज़र आ रही हैं वो पूरी डेट्स इधर पे आप देख सकते हैं। और मस्टर रोल नंबर अगर आपके पास है तो आप मस्टर रोल नंबर के अनुसार भी इसको देख सकते हैं। तो मैं एक रैंडम मस्टर को ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैंने एक रैंडम मस्टर ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पूरा मस्टर इधर पे ओपन होके आ गया है। MB नंबर आता है इसमें, MB का पेज नंबर आता है और कितने लोगों के मस्टर लगे हुए हैं, उनके नाम और जॉब कार्ड नंबर इधर पे आपको शो कर रहे हैं, उनकी जाति शो कर रही है, अटेंडेंस शो कर रही है, कुल हाजिरी
कितनी लगी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से आप इजीली देख सकते हैं। और अगर पेमेंट क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में तो डेट ऑफ पेमेंट इधर पे नज़र आने लगती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है अभी डेट ऑफ पेमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब अभी पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट जैसे ही हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट इधर पे आने लगेगी और आप इजीली इसको ट्रैक कर पाएंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दे चुके हैं। अगर आपको फिल्म मस्टर रोल देखने हैं तो किस प्रकार से देखें, अगर आप आमजन देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस प्रकार से आप इजीली देख सकते हैं। तो दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, सभी ग्रामीणों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि अवेयरनेस फैले कि किस प्रकार से हम अपने स्वयं के मस्टर देखें या किसी और के, अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी और के कैसे देखें। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो सारे ग्रुप में इसको शेयर करिए, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, जाकर के जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ग्रामीण विभाग रिलेटेड जो भी आदेश निकलते हैं वो आपको हाल की हाल उसमें डिलीवर कर दिए जाते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल जवाब करना हो तो ईजिली उसमें आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। और अगर आप हमसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक डली हुई है, जाकर के आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, हमें फॉलो करिए और हमें आप मैसेज इजीली कर पाएंगे। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।